हाँ जी, राम राम जी सभी को। कैसे सारे, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 8:22 हो रहा है और दिन की स्टार्टिंग कर दी हूँ मैंने। भाई कस्बे वाली लाइट जब जब से ये कनेक्ट की गई है, गांव वाली लाइट, तो उसमें लाइट बार बार कट रही थी, जैसे कि अभी कट गई लाइट एंड या अभी जस्ट कटी है। तो थोड़ी सी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। अब मुझे क्या काम करना है कि अगर अमित अंकल से बोल के केबल डलवाना है तो पूरा बंडल आएगा, 2 बंडल केबल लगेगा यहाँ से पूरा पावर हाउस तक का। तो 2 बंडल केबल आएगा तब जाके प्रॉपर लाइट रहेगी, वो भी 10 mm, 10 mm नहीं उससे भी मोटी। अब देखेंगे, पता करेंगे कितने mm वाली केबल लगेगी, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। थाने में अप्लायंसेस यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि एसी हो गया है, चार चार एसी चल रहे हैं। फिर वो है, हर हर किसी के रूम में फ्रिज है, कूलर है, और भी काफ़ी हैवी यूनिट्स चल रहे हैं, हैवी अप्लायंसेस चल रहे हैं। तो इसी वजह से यार ये केबल जो है लोड नहीं उठा पा रहा है, वही रीज़न है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पावर कट हो रहा है। चलो कोई ना, अभी जुगाड़ बनाते हैं उसका, चलते हैं थोड़ा सा डाटा ट्रांसफ़र करके ब्लॉग अपलोड होने के लिए लगा दें, उसके बाद निपटाते हैं सारा सब कुछ। यार चल रहा है, ब्लॉग अपलोड हो रहा है यहाँ से हॉटस्पॉट शेयर करके। एंड मैंने अभी बाहर निकला ना, ये देखो स्टीयर लगा है ऊपर जाने का, चला जा गया। चल लेट्स गो, चलते हैं। लेकिन धूप बहुत तगड़ी वाली है, कभी और जाएंगे, बहुत तगड़ी धूप है, बहुत तगड़ी। अभी चलता हूँ मंदिर, अभी मंदिर भी नहीं गया हूँ, बस एक टेक लिया हूँ गोप्रो पे एंड बाकी सारा आईफोन पे। फिर मैं सोचा था यार मैं गोप्रो ही यूज़ करूँगा, बट कहाँ हो पा रहा है, जब ऐसा फ़ोन रहेगा तो गोप्रो नॉट पॉसिबल। गोप्रो को अब केस से निकाल लूँगा, अगर केवल छोटा सा कैमरा रहेगा तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अभी रूम में आया बाहर से तो देख रहा हूँ मम्मी नहीं है, मम्मी गायब, मम्मी गई है मंदिर। तो मेरे को भाई टूरिस्ट वीज़ा चाहिए दुबई का, कुछ काम है दुबई के टूरिस्ट वीज़ा पे। सो जुगाड़ लगाते हैं, कैसे टूरिस्ट वीज़ा निकलवाते हैं, कम से कम 7 days और 8 nights का। तो कॉल लगाते हैं, 2 4 कॉल लगाते हैं इंटरनेशनल जो वीज़ा निकालते हैं लोग, फिर मिलते हैं आपसे। एक कॉल पे जुगाड़ हो गया वीज़ा का, सो हर इतना क्विक जुगाड़ भाई, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था इतना क्विक। चलो मंदिर हो लेते हैं दोनों, पहले बाइक पे नज़र मार लूँ। एक मंदिर हो लिए, चलते हैं दूसरे मंदिर एंड उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे बाइक को वॉश कराने, वॉश करा के आके ब्रश करके नहा लेंगे, बस यही है एजेंडा आज का। यार हम बाइक धुला के आ रहे हैं तो फिर मिल रहा है आपसे। कैमरा फ़ोन लेके कुछ नहीं जा रहा, चार्ज पर रख के जा रहा दोनों चीज़। बाइक वॉश करा के आ गए, अब अपनी अपनी बॉडी को भी वॉश कर लेते हैं, तो नहा लेते हैं। चलो फिर मंदिर जाना, आज ट्यूसडे है तो मस्त नहा वहा के मंदिर से हो आया। वहाँ पे पंडित जी थे, पंडित जी से गाड़ी के लिए डेट भी निकलवा लिए, पत्रा वत्रा दिखवा लिए किस दिन गाड़ी लेना उचित रहेगा, तो ये भी काफ़ी सही वाला सीन हो गया। शोर हो रहा है तो या जब आएगी तो पता चली जाएगा। 3 डेट दिए, उन 3 डेट को नहीं लिया तो काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा, तो या उसी 3 डेट में ही गाड़ी ले सकते हैं। तो सो फार सो वेरी गुड वाला सीन है, वेट करते हैं, अगर उन 3 डेट में अवेलेबल हो गई तो ले लेंगे, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा मुझे। तार मतलब दिन आने का, मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉपर हिंदू वाला वो मम्मी को है फॉलो करना है, तो अब मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सो द टाइम राइट नाउ इज़ कितना हो रहा है, 10:44। तो अभी थोड़ा सा खा लेते हैं, सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच, तो सीधे ब्रंच करते हैं फिर मिलते हैं। यार गाइज अभी अभी मैंने टाटा में कॉल किया और अपनी गाड़ी का जो मॉडल था वो मॉडल ही मैंने चेंज करा दिया, सो उसकी वजह से मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। कौन सा मॉडल ले रहा हूँ डिलीवरी में बताऊँगा, ले तो टाटा पंच ही रहा हूँ बट मॉडल चेंज करके ले रहा हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है ना अंदर से, अये हाय पैसे बचा लिए, तो वो वाला सीन हो गया है। सो फार सो वेरी गुड। टाइम जो हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे हैं, सो या अभी चलते हैं रविंद्र भाई के रूम में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं, उधर ही चलते हैं। लेट्स, बाहर इतना मस्त वेदर हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये हो गई मेरी कप मैगी। एक्चुअली ना गांव वाले कस्बे वाली लाइट जोड़ी गई है, जस्ट चली गई, देखो पंखा हिल ही रहा है। ये हवा हवा थोड़ा भी कुछ चलेगा तो लाइट चली जाएगी तुरंत, तो ये इशू है, अदरवाइज़ लाइट नहीं जाती थी मेरे स्टेशन की। कोई ना, अब इधर बैठ के ठंडे ठंडे मौसम में ये इंजॉय करते हैं मैगी।
दिन का मेरा ये 8वां या 10वां मैंगो है, एंजॉय करता हूँ। अभी नीचे आ गया यार, मस्त वाला वेदर हो रखा है। और ये जो बुलेट देख रहे हो अजय भैया वाली, BS6 क्लासिक 350X, ऑल ब्लैक ये वाला है। ये सेल के लिए अवेलेबल है, आस्किंग प्राइस 1,60,000 रुपये है। पूरी ब्रांड न्यू बाइक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ओवरव्यू देख लो और किलोमीटर ड्रिवन भी दिखा देता हूँ। तो 24,400 किलोमीटर चली है ये बाइक। तो बाइक अगर किसी को चाहिए हो तो इंस्टा पे मुझे DM करो। 1,60,000 इसकी आस्किंग है, विदाउट नेगोशिएटिंग सिंगल रुपी। तो या जो नाम से कहा था किसको डाल देना ऑयल एक्स पे, मैंने सोचा व्लॉग में ही डाल देता हूँ। तो भाई जिसको चाहिए हो तो ले सकते हो, यहाँ पे है गाड़ी। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ चेक करा सकते हो, कोई इशू नहीं है गाड़ी में, कोई भी सिंगल इशू नहीं है। टाइम हो रहा 6 बज रहा है, आदि आया था, मम्मी बताई मेरे को, मैं सोया था, जैसे ही सोया था वैसे ही आदि आया था मेरे लिए। तो भाई मैं उठ नहीं पाया, वो उठाया ही नहीं मेरे को एक्चुअली। सो अभी चलते हैं मैंगो और सब्जियां लेने। बाइक कौन सी लेके चलते हैं, वो किसी को लेके चलते हैं, देखता हूँ और कोई होगी तो और कोई लेके। मैं इसको चलाना नहीं चाहता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मेरे इसके साथ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसका, मतलब काली गाड़ी मतलब छोड़ो। मैं तो थोड़ी सब्जी ले ली है एंड अब मैंगो लेके निकलते हैं घर। आदि मुझे मेरे घर पे ढूंढ रहा है। तो फाइनली यार सब्जी ले आया मैं और काफी सही सीन है। अभी आम भी ले आया हूँ, थोड़ा सा आम खा लेता हूँ। बस से मैंने गर्दन तक आम खा ली, मजा आ गया गाइस, मजा मजा इन 200 हो चुका है। प्लीज सातवें आसमान पे है, जो आम खाते जो आत्मा को तृप्ति मिलती है, उस तृप्ति को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ मैं, वो तृप्ति अपरंपार है। वापस से आ गए हम लोग आम लेने, इस टाइम मनीष भी आम ले रहे, मैं लेके चला गया। तो आम लेते हैं, फिर मोमोज खाते हैं, फिर पानी पूरी खाते हैं और पाव भाजी, फिर निकल लेंगे। करोड़ों साल वेट करने के बाद अपना मोमोज आ रहा है भाई। मैं आ गया यार यहाँ तक, खा लिए, छाछ मार लिए, ये मार लिए, वो मार लिए। अभी जो है लाइट थी नहीं, अभी अभी आई है, तो मैं ऊपर आ ही रहा हूँ, पहले फ़ोन चार्ज पर रख देता हूँ दोनों तीनों। टाइम 9:54, 10 बज गए, लग जाते हैं एडिटिंग पे। व्लॉग को एंड करता हूँ, यहाँ तक देख लो, प्लीज मेक श्योर के लाइक करके जा रहा हूँ। बाय, #please I know you love me, bye।